पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है टिश्यू, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, ये सब चीज हम एक बार पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सी, स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा। अमीबा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अमीबा क्या है? अमीबा इज अ यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? दैट इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म। अमीबा में आपको पता है कि सारे लाइफ प्रोसेस बड़े आराम से हो रहे हैं। उसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज अकरिंग इनसाइड दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सारे लाइफ प्रोसेस पॉसिबल थी, बिकॉज इन लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस एनिमल की बॉडी का सिंगल होना काफी था, सिंगल सेल्ड होना काफी था, राइट? तो इसी वजह से सारी जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ, बहुत ही इफेक्टिवली हो पा रही थी सिंगल सेल में भी, बिकॉज बॉडी वॉज वेरी सिंपल। अमीबा की बॉडी बहुत सिंपल बॉडी है, सिंगल सेल्ड है, तो उसमें ज्यादा हमको कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बट धीरे धीरे मूव ऑन जब हम कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई भी ले लो आपका, जो भी आपने सुना हो। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा आपने इस तरह से पहले भी सुना होगा इसके बारे में, आपने इस तरह से दिखता है हाइड्रा, ऐसा सा। ठीक है, अभी हाइड्रा में क्या होता है? दैट हाइड्रा में वी हैव डिफरेंट सेल्स। दिस इज नॉट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा सिंगल सेल्ड नहीं है, बट इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट टिश्यूज नहीं बने अभी तक। इसमें क्या होता है? बस हर एक सेल को अपना अपना काम सौंप दिया जाता है अलग अलग। एवरी सेल विल बी हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क। ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क हमने दे दिया हर सेल को कि भैया हाँ ठीक है, तुम्हारा ये फंक्शन, तुम सेल, तुम्हारा ये फंक्शन, तुम सेल, तुम्हारा ये फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से तो इसमें हुआ। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो मान लीजिए सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स क्या है? अगेन ह्यूमन बींग इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट अपार्ट फ्रॉम मल्टी सेलुलर हम लोग के पास क्या है कि वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स है। अब ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बने, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिस इज वन सेल। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेल एक साथ जब प्रेजेंट होते हैं परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, उसको हम बोल देते हैं टिश्यूज। ठीक, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्गन, राइट? ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ होते हैं और एक साथ काम कर रहे होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोल देते हैं उसको हम? ऑर्गन सिस्टम। अभी देखो अमीबा में क्या था? सिंगल सेल था, तो एक ही सेल वॉज परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन। धीरे धीरे हम आगे 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 बढ़ते रहे, हाइड्रा आया, बहुत सारे सेल्स जो है वो आए और अपना काम धीरे 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 डिवाइड करने लग गए। धीरे धीरे टिश्यूज बने, टिश्यूज बनने के बाद उन टिश्यूज से हमने क्या बना दिए? ऑर्गन बना दिए। बहुत सारे ऑर्गन को एक साथ जब हमने काम करवाया तो ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स ना, इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास किडनी भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, यूरेटर भी है, यूरेट्रा भी है, कितने सारे ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, अमीबा की बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर सिस्टम है, एक ही सिंगल सेल सिस्टम। ठीक है, तो ये कैसे सिंगल सेल से ऑर्गन सिस्टम तक बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? बिकॉज अमीबा वॉज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैरी ऑन करने के लिए हमको खाली एक सेल नहीं चाहिए था, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैरी ऑन करने के लिए हमको ऑर्गन सिस्टम चाहिए।
ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए हम जब तक टिश्यूज नहीं बनेंगे तब तक ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, जब तक ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तब तक ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे, राइट? सो देयरफॉर दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड. तो इसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, दैट द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी ले लो, हमारी बॉडी में हुए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव, राइट? तो इतने सारे जो सेल्स हैं वो सारे ग्रुप बना के टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज ग्रुप बना के ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन ग्रुप बना के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. दैट मीन्स देर इज डिविजन ऑफ लेबर. हर किसी को अपना काम सौंप दिया गया है. जो काम स्टमक करेगा वो काम ब्रेन नहीं करेगा, जो काम ब्रेन करेगा वो काम स्टमक या लिवर नहीं करेगा. हर किसी टिश्यू को, हर किसी इवन सिंगल सेल को भी हमारे अंदर एक एक काम सौंप दिया गया है. जो काम आपका रेड ब्लड सेल्स करेंगे वो काम आपका व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं करेंगे, जो काम आपके प्लेटलेट्स करेंगे वो काम आपका व्हाइट ब्लड सेल नहीं करेगा, राइट? तो एवरी सेल, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिविजन ऑफ लेबर. लेबर के, ये लेबर मतलब काम के हिसाब से हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को हमारी बॉडी में अलग किया गया कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम. इज दैट क्लियर? इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे आज के लेक्चर को बढ़ते हैं. इफ एनी डाउट टिल दिस तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम. ओके, नो डाउट, ठीक है. देन आपका आता है चैप्टर टिश्यू, उसका पहले तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे पहले एनिमल टिश्यू से, थोड़ा बड़ा है एनिमल टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद दी टिश्यूज. टिश्यूज को समझने के लिए पहले तो आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनि एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो आप सेल में ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप आइदर ऑफ यूनिसेलुलर स्टफ और मल्टी सेलुलर सेल्स. या तो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होगा या ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा. यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल. मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, बहुत सारे सेल्स और हर सेल के पास अपना अपना अलग अलग काम है. डिविजन ऑफ लेबर इज देयर बट नो डिविजन ऑफ लेबर इज देयर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कहां से डिवाइड करेंगे, एक ही सेल को थोड़ी ना डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है एक ही सेल. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने हर एक सेल को अपना अलग अलग काम सौंप दिया है, डिविजन ऑफ लेबर कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो मसल सेल्स हैं उनका काम अलग है, दे कॉज मूवमेंट. उनमें जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं उनका काम अलग है, दे कैरी सिग्नल्स. उनमें जो ब्लड सेल्स हैं उनका काम अलग है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक फूड, ठीक है? तो इन सारे ही सेल्स का अलग अलग काम हुआ ना. जो काम ब्लड सेल्स करेगा वो काम मसल सेल तो नहीं करेगा, इसी तरह से जो काम नर्व सेल करेगा वो काम ब्लड सेल तो नहीं करेगा, राइट? तो एवरी सेल इज हैविंग डिफरेंट फंक्शन एंड देयरफॉर दे आर डिवाइडेड बाय अदर, ठीक है? बाकियों से वो डिस्टिंग्विश्ड है बिकॉज दे हैव डिफरेंट एक्टिविटीज, ग्रुप बने हुए हैं हमारी बॉडी में. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अमीबा, ठीक? मल्टी सेलर में तो आप एंडलेस एग्जाम्पल दे ही सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात जो आपकी आती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई ब्लड वेसल्स तो होती नहीं है. अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरी, वेन, ठीक है? जो आप ब्लू ब्लू बाहर देख सकते हैं अपने हाथ पे, आर्म्स पे, दे आर वेन. अंदर जो रेड कलर की होती है एम्बेडेड इनसाइड योर बॉडी, वो आर्टरी, ठीक है?
जो पल्स चेक करते हैं वो आर्टरी से करते हैं, ठीक है, रेडियल आर्टरी होती है आपकी रिस्ट पे, वहां से चेक करते हैं। तो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या है, एक तरह की ब्लड वेसल्स है। अब हम में तो ये है, और हम में ये है इस वजह से जो ब्लड है वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल तो है नहीं कोई उनके पास, तो वो बेचारे क्या करे। अब प्लांट्स में भी तो हमको वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना है, प्लांट्स में हमको फूड का भी ट्रांसपोर्ट करवाना है, हमको मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ये सब कैसे होगा। हाउ इज इट पॉसिबल इफ दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल। दिस इज पॉसिबल बिकॉज दे हैव वेस्कुलर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल, एंड दिस वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से, जाइलम सुना होगा आपने पहले, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट के पास, विच हेल्प इन दी कंडक्टिंग पाथवेज। जाइलम आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लांट में, और फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लांट्स में। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग ब्लड वेसल्स, प्लांट्स आर हैविंग वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम से अब कंफ्यूज मत होना कि वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। वैस्कुलर सिस्टम इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इनसाइड द प्लांट्स। उसके बाद आता है आपका टिश्यू, एक्चुअल टिश्यू का टॉपिक। टिश्यूज होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोलॉजी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है टिश्यूज की, वही सेम अभी हमने सीखी, दैट अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजिन इज नोन एज सेल। ऐसे सेल जो कि देखने में, फंक्शन में और ओरिजिन में सेम है, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यू। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। एक और डेफिनेशन इसकी बनती है, दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज मेक्स अ टिश्यू, ठीक है। दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज मेकिंग अ टिश्यू, ठीक। एग्जाम्पल वी हैव, जैसे मान लो हमारे पास है, अपने पास नर्वस टिश्यू है, ठीक है, अपने पास मस्कुलर टिश्यू है, अपने पास एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक। ये सारे एग्जाम्पल्स है टिश्यू के, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, चलो हमको फंक्शन तो समझ आ गया, सब सेल्स का सेम सेम फंक्शन होगा, स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, ठीक है, दिखने में सेम होंगे। अभी ओरिजिन क्या है, ये इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक बहुत बेसिक चीज। जायगोट बनता है, you all know, after the fusion of sperm and ova, ठीक है। sperm का ova के अंदर fusion के बाद क्या बनेगा, final product क्या बनेगा उसका, the final product will be zygote। zygote जो है वो एक single cell structure है, this is one cell, zygote is one cell, ठीक है, having fused nucleus inside, right। अभी इस zygote से आपको complete fully grown फीटस बनाना है। फीटस क्या होता है, बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं, उस डेवलपमेंटल स्टेज को हम बोलते हैं फीटल स्टेज, ठीक है, या बच्चा जो भी है, एक फुली ग्रोन बच्चा बनाना है हमको इस एक सेल से। कैसे बनाए, हाउ, बहुत इजी है। ये जो सिंगल सेल है, दिस सिंगल सेल इज रिगार्डेड एज अ स्टेम सेल या टोटिपोटेंट सेल। इसके पास इतनी पावर है कि वो हमारी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है। सबसे पहले तो इस सिंगल सेल में होंगे दुनिया भर के डिविजन्स, बहुत तेज 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 फटाफट फटाफट डिविजन होंगे बहुत सारी। इस केस में जो डिविजन है, क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रही है, तो नॉर्मल सेल डिविजन तो नहीं है वो, बिकॉज नॉर्मल सेल डिविजन को 24 घंटे लगेंगे, एक सेल को डिवाइड करने के लिए 24 घंटे लगेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये जो डिविजन जायगोट के बाद होती है, इन डिविजन को हम बोल देते हैं क्लीवेज डिविजन, विच आर फास्टर देन दी सेल डिविजन। इन डिविजन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लीवेज डिविजन्स, ठीक है, क्लीवेज डिविजन बोल देते हैं इनको, ओके। आफ्टर थाउजेंड हंड्रेड ऑफ क्लीवेज डिविजन आपके पास बनते हैं बहुत सारे सेल। फिर उसके बाद में जो जायगोट है वो ना लेयर्स बनाते हैं अपने आसपास, ठीक है। आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, मिडल इज मेसोडर्म, सब पढ़ेंगे आप डाइवर्सिटी में दोबारा से, एंड द इनर मोस्ट इज एंडोडर्म।
ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को हम काम दे देते हैं, ठीक है तुम आउटर मोस्ट लेयर हो, तुम बॉडी का बनाओगे स्किन, तुम बनाओगे हेयर्स, तुम बनाओगे कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये सारा काम एक्टोडर्म को हमने सौंप दिया। मेसोडर्म बीच वाली जो लेयर है उसको हमने बोल दिया ठीक है जाओ तुम जाके बॉडी की मसल्स बनाओ, बॉडी की बोन्स बनाओ, बॉडी की कार्टिलेजेस बनाओ, कुछ ऑर्गन्स बनाओ। फिर आता है एंडोडर्म, एंडोडर्म को हमने बोल दिया ठीक है जाओ सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाओ। सो इसको हमने कहा कि जो जायगोट है दैट फॉर्म्स डिफरेंट लेयर्स, और हर लेयर को हम लोग काम सौंप देते हैं कि तुम ये चीज बनाओगे इस बॉडी। ठीक है, हर लेयर के पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो उस पर्टिकुलर बॉडी की पार्ट का सेल्स को बना सके। ठीक है, तो ये सारा जो होता है दिस ऑल इज द ओरिजिन। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टिश्यूज आर हैविंग सेम ओरिजिन। बहुत ईजी है इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, अभी मस्कुलर टिश्यू में आपकी सारी मसल्स होंगी, आपके बॉडी के जितना भी मसल है वो मस्कुलर टिश्यू के अंदर आएंगी, चाहे वो कैसी भी मसल है। तो वो सारी जो मस्कुलर टिश्यू है दैट इज फॉर्मड बाय दिस मेसोडर्म। ठीक है, मान लीजिए सारी आपकी बॉडी की मसल्स है इज फॉर्मड बाय दिस मिडल लेयर दैट इज मेसोडर्म, राइट। इसी तरह से मान लीजिए आपका जितना भी बोन्स है, ठीक है, वो बोन्स जो है सारी की सारी वो किसके अंदर आती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो जितना भी बोन्स है दैट इज मेड अप ऑफ दिस मिडल लेयर मेसोडर्म। मतलब ओरिजिन तो सेम है ना इनका, जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये टाइप ऑफ टिश्यू वो तो सेम है। ठीक है, तो वही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे आर दीज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन एंड हैव सेम ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट चीज आपकी आती है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू ऑफ कोर्स, बिकॉज प्लांट्स आर दी वंस विच कैन नॉट डिस्प्लेस, दे कैन मूव, मूवमेंट शो करते हैं बट दे कैन नॉट डिस्प्लेस, एक से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हो सकते वो, ऑल्दो दे कैन मूव। अब इस स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है हमको, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का कि वो मूव तो कर सकते हैं बट दे कैन नॉट शो डिस्प्लेसमेंट, हाउ इज इट पॉसिबल। बहुत ईजी है, मान लीजिए दिस इज अ प्लांट, यंग प्लांट, यंग प्लांट को थोड़ा थोड़ा सा ग्रो करवाया तो वो हाइट में भी इंक्रीज होगी और विड्थ में भी इंक्रीज होगा। हाइट भी इंक्रीज हो रहा है और विड्थ भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही, एक ही जगह पे स्टेशनरी पोजीशन में ही दे आर शिफ्टिंग सॉइल लाइक दिस, ताकि वो अपनी गर्थ को अपनी विड्थ को इंक्रीज कर सके, राइट। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ना, मूव तो कर रहा है ना उसका बॉडी, उसका जो ऑर्गन है प्लांट का जो स्टेम है दैट इज मूविंग राइट नाउ, बट इट इज नॉट डिस्प्लेसिंग, इट इज नॉट जस्ट, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे था कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। सो देयर फॉर प्लांट शो मूवमेंट बट दे डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट, राइट। दूसरी चीज, प्लांट टिश्यू जो होती है दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, सो प्लांट टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सो दे डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट बट दे शो मूवमेंट। एनिमल्स में क्या है, अपन लोग का क्या है, एनिमल्स तो हर एक कोई भी एनिमल हो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो शो करेगा ही करेगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर प्लांट्स के पास अलग तरह के टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स के पास अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, बिकॉज एनिमल को एक से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उसके लिए अलग टिश्यू चाहिए ना उनको। अब जैसे जो सीलिया और फ्लेजिला एनिमल्स के पास है वो सीलिया और फ्लेजिला प्लांट्स के पास तो नहीं हो सकता ना, ऐसे ही जो स्केलेटल मसल एनिमल के पास है वो तो प्लांट के पास नहीं हो सकती, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं दैट फॉर्म्स, ये जितने भी इसके फंक्शंस हैं दैट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड जो इसका आता है कि मोस्टली सेल्स आर डेड इन द टिश्यू, इन द प्लांट टिश्यूज, ठीक है, सॉरी इन द प्लांट्स, प्लांट्स में ज्यादातर जो सेल्स होते हैं टिश्यूज के वो डेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे जाइलम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जाइलम, तो जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम वेसल्स सब पढ़ेंगे आप बाद में, जाइलम वेसल्स ये सब के सब डेड, सारे डेड सेल से बने हुए हैं। ठीक है, उसी तरह से फ्लोएम में ले लेते हैं, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स डेड, उसी तरह से
क्लेरेनकाइमा टिश्यू एक पढ़ेंगे आप प्लांट्स में, दैट इज ऑल्सो डेड. मतलब आधे से ज्यादा टिश्यू जो है प्लांट का, दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. तो मतलब मोस्टली सेल्स आर डेड इन केस ऑफ प्लांट्स. अभी अगर कोई चीज डेड है, दैट मीन्स उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है. ऑल्दो इट इज वर्किंग, सब काम कर रहे हैं उसमें, न्यूक्लियस इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट प्रोटोप्लाज्म इज नॉट देयर. ठीक है, दैट्स व्हाई द सेल इज डेड. ओके, तो उसमें क्या है, इस तरह का जो डेड सेल है, अब देखो वो आपके लाइफ प्रोसेसेस को तो कैरी ऑन नहीं करवा पाएगा. ठीक है, बट इट इज हेल्पिंग द प्लांट इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने में हेल्प करवा रहा है आपका ये वाला डेड टिश्यू, राइट? तो ज्यादातर जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं, बिकॉज दे आर डेड, मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसी वजह से उनकी मेंटेनेंस कम होती है. ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि जिस चीज में जितना ज्यादा लिविंग सेल होगा उतना ही ज्यादा उसकी मेंटेनेंस में खर्चा होगा, उतना ही ज्यादा उसकी मेंटेनेंस में एनर्जी लगेगी. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या है, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लिविंग सेल्स. हमारे पास डेड सेल्स बहुत कम है, बट लिविंग सेल्स हमारे पास ज्यादा है. और क्योंकि हमारे पास लिविंग सेल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उन लिविंग सेल्स को मेंटेन करने के लिए, उन लिविंग सेल्स को की देखरेख करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए. सो द मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज इन केस ऑफ एनिमल्स रिक्वायर्स मोर एटीपी, एंड द मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज इन केस ऑफ प्लांट्स रिक्वायर लेस एटीपी. ओके, नेक्स्ट चीज, प्लांट्स में आप क्या देखते हैं कि ग्रोथ इज लिमिटेड इन सम एरियाज, राइट? कुछ कुछ एरिया में लिमिटेड ग्रोथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, दैट वी हैव सम टिप वाले पोर्शन जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो सेल डिविजन है वो बहुत ज्यादा होता है, मेरिस्टमेटिक सेल्स बोलते हैं इनको. ठीक है, उसी तरह से आप लोग देखेंगे इसमें कि इस तरह से, दिस इज प्लांट का स्टेम, दिस इज सम ब्रांच मान लीजिए. तो ये जो टिप वाले पोर्शन होते हैं ना, इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, ग्रोथ जो होती है वो बहुत फास्ट होती है इन रीजन्स पे. तो कुछ ही रीजन्स होते हैं जो कि फटाफट फटाफट ग्रोथ को शो कर रहे हैं, फटाफट ग्रोथ को दिखा रहे हैं, कुछ ही रीजन्स होते हैं, राइट? तो ये जो सम रीजन्स हैं, दे आर ओनली परफॉर्मिंग सेल डिविजन, दे आर ओनली परफॉर्मिंग ग्रोथ, अदर्स में इतना नहीं हो रहा, अदर्स में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही. मतलब प्लांट्स में क्या है कि द ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, और ऐसे रीजन्स को हम लोग बोल देते हैं मेरिस्टमेटिक regions. ऐसे regions को हम क्या बोल देते हैं, meristematic regions. पर animals में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होगा animals में. For example, अपना ही example ले लो, मान लीजिए आप हो, ठीक है, अभी मैं बोलूं कि आपके में restricted growth है या particular region पे ही आपका growth होगा. मान लो जैसे plants में हो रहा था, सिर्फ tip वाले region पे growth हो रहा था, आपका भी ऐसे कर दूं, खाली जो आपके tips वाले region है, मतलब आपके ये fingers, आपके feet और आपका head, खाली इसमें ग्रोथ करवाओ, बाकी कुछ ग्रो नहीं हो रहा, तो आप कुछ इस तरह से दिखोगे. ऐसा, ऐसी सी बॉडी आपकी, अजीब सी मॉन्स्टर लाइक बॉडी हो जाएगी. तो मॉन्स्टर लाइक बॉडी तो नहीं है ना आपकी, आपके बॉडी में एवरी सेल इज ग्रोइंग राइट नाउ, एवरी सेल इज परफॉर्मिंग डिविजन, ऑलमोस्ट एवरी सेल इज परफॉर्मिंग डिविजन. एट सम स्टेज ऑफ लाइफ दे विल बी परमानेंट, बट इनिशियल स्टेज पे दे आर शोइंग डिविजन, राइट? तो आपके बॉडी में क्या है, दैट एवरी सेल इज परफॉर्मिंग ग्रोथ, एंड दैट ग्रोथ इज इक्वल एंड यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं है कि बस कुछ रीजन पे ग्रोथ होगा बाकी रीजन पे नहीं होगा, अजीब से ढांचा हो जाएगा नहीं तो आपका. सो एनिमल्स के केस में क्या होता है, ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, दे हैव यूनिफॉर्म ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लांट सेल्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, आपने देख लिया अभी. ठीक है, ऑब्वियसली प्लांट्स आर सिंपल फॉर्म्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स सिंपलर फॉर्म्स है भाई, एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है. तो प्लांट्स सेल्स जो होंगे वो भी तो सिंपल ही होंगे ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होंगे एनिमल्स के कंपैरिजन में. सो प्लांट्स डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यूज. बट एनिमल्स, एनिमल्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स. अपना ही एग्जाम्पल देख लो, द हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट अस. अब व्हाई सो कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हमारे पास कितना सारा तो सामान है अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है, वो सामान क्या है, अपने पास ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, पता नहीं क्या क्या है दुनिया भर का. ठीक है, तो इस वजह से आवर बॉडी इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी.
प्लांट्स के केस में क्या होता है, कहाँ तक सीमित है, बस टिश्यूज तक सीमित है, ठीक है, टिश्यूज तक सीमित है। अपने पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज है भाई प्लांट में, हर किसी का अपना अपना काम है। एनिमल्स में क्या है, टिश्यूज तक सीमित नहीं रहे, टिश्यूज भी जुड़ के ऑर्गन्स बना दिए, ऑर्गन्स भी जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बना दिए। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्गन सिस्टम ओनली, वो दिखा रहे हैं हम लोग। तो देयर फोर एनिमल बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड प्लांट बॉडी इज कंपेरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट योर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट टिश्यूज। उसके बाद आता है आपका इस पूरे चैप्टर का एक समरी फ्लो चार्ट। पूरे चैप्टर में आपको बस दो ही चीज पढ़नी है इसमें, एक है आपका प्लांट टिश्यूज और दूसरा आपका एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज दो पार्ट में डिवाइडेड है जो पढ़ेंगे आप डिटेल में। एक पार्ट इज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, अनदर पार्ट इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक जैसे अभी बताया मैंने आपको, इट कैन डिवाइड एंडलेसली, डिवाइड करता रहेगा ये। जो परमानेंट टिश्यू है इट कैन नॉट डिवाइड, इट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, और अब वो परमानेंट हो चुका है, जीनोट फेज से बाहर निकल चुका है, नाउ इट इज परमानेंट। उसको समझ में आ गया मुझे जिंदगी में क्या बनना था, इस बेचारे को अभी तक पता नहीं था जिंदगी में क्या बनना है, उसको पता चल गया तो वो परमानेंट हो गया। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आप तीन तरह के पढ़ेंगे, एक वो मेरिस्टम जो आपके बिल्कुल टिप्स वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम। एक वो मेरिस्टम होता है जो कि आपकी प्लांट की विड्थ को इस तरह से बढ़ाने में हेल्प करवाता है, दैट इज लेटरल मेरिस्टम। एक वो मेरिस्टम है जो आपकी जो ब्रांचेस होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये तीन तरह के मेरिस्टम आप पढ़ते हैं प्लांट्स में। मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है, इट विल ऑलवेज डिवाइड, ये हमेशा डिविजन शो करेगा। परमानेंट क्या है, इट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, तो अब ये डिविजन शो नहीं करेगा। जो आपका परमानेंट टिश्यू है प्लांट में, दैट इज ओनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट, जिसमें सारे के सारे सेल्स एक जैसी शक्ल के होते हैं, मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उस टिश्यू में। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक ही टिश्यू में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, एक ही टिश्यू में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके तीन तरह के पढ़ने हैं आपको, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ये है पैरेन्काइमा टिश्यू, ये है कॉलेन्काइमा टिश्यू एंड दिस इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। देख रहे हो आप, ऑल दी सेल्स आर सेम शेप सेम साइज, ऑल दी सेल आर सेम शेप सेम साइज। तो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज आप पढ़ेंगे। दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप पढ़ेंगे जाइलम, विच इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और इन चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को हम बोल देते हैं एलिमेंट्स। क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स। सो जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ सेल्स, अलग अलग तरह के चार सेल से बना है जाइलम। फिर आता है आपका फ्लोएम, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या सेल्स, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स या सेल से बना है आपका क्या, फ्लोएम। नेक्स्ट टाइप आता है आपका एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं दे आर ऑफ फोर टाइप्स, चार तरह के एनिमल टिश्यूज आपको पढ़ने हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज सिंपल एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम जो होता है दैट मीन्स इट इज सिंपल, ठीक है, कंपाउंड एपिथीलियम मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और ग्लैंडुलर एपिथीलियम, तीन तरह के एपिथीलियम आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आप सारा ये नर्व्स, सॉरी ये न्यूरॉन्स, ये सब पढ़ते हैं, ये नर्व सेल, ये सब पढ़ेंगे आप नर्वस टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू, तीन तरह की मसल आपकी बॉडी में, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वो मसल जो कि बोन से जुड़ी हुई है, They all are skeletal muscle. Cardiac muscle, वो muscle जो कि heart में present है, they are cardiac muscle. Smooth muscle, वो muscle जो आपके organs में present है, they are smooth muscle. ठीक है, तो ये तीन तरह की muscles आप पढ़ेंगे। और last में आता है आपका connective tissue. Connective tissue जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा detail में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। Why? Because connective tissue further is for so many types.
कनेक्टिव टिश्यू का ही अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो वो भी पता नहीं क्या क्या कितना बड़ा बन जाएगा। अगर आपको मैं फटाफट समरी में बताऊं तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दैट फर्दर इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है एरियोलर एंड एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपका आएगा बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। ये चार चीजें आप पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, और बाकी लूज में पढ़ेंगे एरियोलर एडिपोस, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे आप, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो खाली कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी बिग, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको एटलीस्ट ये फ्लो चार्ट तो याद होना चाहिए, ठीक है। दिस फ्लो चार्ट शुड बी देयर इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इसीलिए आज का आपका होमवर्क है दैट यू हैव टू लर्न दिस फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आपको याद करना है, ठीक है, ये टर्म्स, ये सारी वर्ड्स, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम जो थे वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे, मतलब वो अलग अलग तरह के सेल से बने थे। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था जैसे ये देखिए, दिस इज जाइलम, ग्रीन वाला, ठीक है। जाइलम में आप देख सकते हो कुछ सेल्स आर लाइक दिस, ये जो आपको दिख रहा है, कुछ सेल्स हैं वो इस तरह से हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ सेल्स हैं वो इस तरह से हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, एंड फ्यू सेल्स आर लाइक दिस, ये जो आपको दिख रहा है। मतलब एवरी सेल इज हैविंग डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। तो एवरी सेल जो है वो अलग अलग, जो जाइलम टिश्यू है दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अलग अलग तरह के सेल्स, ठीक है, अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बना है आपका जाइलम। फ्लोएम जो है अगेन इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें आपके अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं आपको। एक ये तरह का सेल दिख रहा है, एक ये तरह का सेल दिख रहा है, एक ये सेल दिख रहा है, एक बीच बीच में आपको येलो वाले सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने बोला है, ठीक है। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। You can ask your doubts if you have any. Next है उज्जवल मैम, क्लीवेज फरो इन माइक्रोफिलामेंट नहीं था। क्लीवेज फरो इन माइक्रोफिलामेंट नहीं था, क्लीवेज फरो जो आपका बन रहा था, उज्जवल ध्यान से सुनो, जब एक एनिमल सेल को हमको दो एनिमल सेल में स्प्लिट करवाना होता है तो उसमें हमको एक फरो बनवाना पड़ता है साइड में। वो जो फरो बन रहा था वो बन रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। और वो जो सेल बॉडी है वो बन रही थी आपकी माइक्रो फिलामेंट वगैरह की हेल्प से, ठीक है। नोट्स में आपने बना लिया होगा, उसको ध्यान से दोबारा से देखो। क्लीवेज फरो बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स इन देयर, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब जाके फरो डीप होगा, तब जाके दो सेल स्प्लिट होंगे, ठीक है। बेटा पीटी वन का सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। टिश्यूज हो सकता है जितना करवा दो उतना आ जाए, नहीं तो खाली सेल और सेल डिविजन दे देंगे, ठीक है। टिप होता है प्लांट्स की, ये प्लांट की टिप आपको बताई थी मयूर, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आर्यन डिफरेंस ये था कि प्लांट सेल जो होते हैं दे कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, बट एनिमल सेल्स कैन डिस्प्लेस। तो उस वजह से जो प्लांट्स है उनके पास टिश्यूज अलग है और एनिमल्स है उनके पास टिश्यूज अलग है। प्लांट सेल के जो टिश्यूज है उनमें ज्यादातर सेल्स आर डेड, एनिमल सेल के जो टिश्यूज है उनमें ज्यादातर सेल्स आर लिविंग। क्योंकि प्लांट्स के पास ज्यादा डेड सेल्स हैं, इसी वजह से उनमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बट एनिमल्स के पास क्योंकि ज्यादा लिविंग सेल है इस वजह से उनमें मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत है, मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंसेस थे कुछ। हाँ, प्लांट जब भी, प्लांट हमेशा ग्रो शो करेगा, हमेशा ग्रोथ शो करता रहता है प्लांट, ठीक है। एट सम स्टेज हो सकता है एक स्टेज पे आके वो हाइट में ग्रो होना कम हो जाए, बट उसके ब्रांचेस ग्रो होते रहेंगे, तो लाइफ टाइम ग्रोथ है प्लांट में, तो
ठीक है, प्लांट में तो लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहेगी, हम में ऐसा कुछ नहीं है, हम में ऐसा है कि टाइम तक बस लिमिटेड ग्रोथ होती है अपनी एनिमल्स की, उसके बाद रुक जाती है। हाँ पीडीएफ, यू डोंट हैव टू टेल मी निहार, आई नो व्हाट टू डू। हाँ जी, ये आर्यन आपका डाउट क्लियर हो गया डिफरेंसेस वाला? ओरिजिन मतलब वहां से ओरिजिनेट, जैसे मैंने आपको बताया जायगोट की तीन लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म, ठीक है। तो हर लेयर को हम अपना काम दे देते हैं, जाओ तुम बोन्स बनाओ, जाओ तुम मसल्स बनाओ, ठीक है। तो हर लेयर से जो भी टिश्यू है वो कोई ना कोई लेयर से तो ओरिजिनेट होगा ही, तो उसका जो ओरिजिन है वो सेम रहता है, ठीक है। एक्सोडर्म, एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर, ठीक है। लेटरल ग्रोथ मतलब साइडवर्ड्स, विड्थ, उसकी चौड़ाई में हेल्प करवाता है बढ़ाने में प्लांट, ठीक। कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं है प्लांट निहार बेटा, क्योंकि प्लांट्स में आपके पास ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम नहीं है ना, बस टिश्यूज तक ही सीमित है उसकी बॉडी में, हमारे पास ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक है। एनी मोर डाउट फटाफट पूछ लो एक बार। क्लीवेज इज फास्ट, यस आर्यन बता दिया आपको मैंने, सबसे पहले आपका ही डाउट बताया था, इट इज फास्ट। आपके जो हेयर्स और नेल है मयंक, ध्यान से सुनना इस बात को, अपने नाखून को इस वक्त देखो, अपने नाखून को देखोगे तो जहां से नाखून आपका ओरिजिनेट हो रहा है ना, दैट पर्टिकुलर एरिया इज लिविंग, फिर आगे जाके दैट इज डेड। उसी तरह से आपके बाल, जहां से जो रूट होती है बाल, दैट इज लिविंग, बट बाहर जो बाल है दैट इज डेड। तो जो रूट होती है वो तो हमेशा ग्रो करेगी ना, वो तो हमेशा ग्रोथ शो करेगी, राइट। आउटर सेल इनर सेल नहीं होता बेटा, रूट और बॉडी होता है, ठीक है। जो रूट ऑफ हेयर है, बाल को उखाड़ो नीचे व्हाइट से कलर का छोटा सा दिखेगा, दैट इज रूट, तो वो लिविंग है, बाल आपका डेड है। उस तरह से नेल्स, नेल्स को ऊपर से काटोगे दर्द नहीं होगा, बिल्कुल जहां से ओरिजिनेट हो रहा है नेल वहां से जरा उखाड़ के देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो दैट इज लिविंग बट ऊपर वाला पार्ट इज डेड, ओके। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज आपका जो हेयर है उसमें बाहर केराटिन का डिपोजिशन है, ठीक है, प्लस हेयर कलर्स जो देते हैं जीरून का डिपोजिशन है, उस वजह से उसको कलर मिल रहा है। एक्सोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर, सुन लिया करो मुकुंद ध्यान से, दो बार तीसरी बार बता रही हूँ ये चीज, आप ही के डाउट को बता रही हूँ तीसरी बार, सुनते तो हो नहीं, बस लिखते रहते हो अंधाधुंध 15-20 बार एक ही चीज। एक्सोडर्म मतलब एक्टोडर्म या एक्सोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर, किसी की भी बाहर वाली लेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको मैंने पहले भी बोला हुआ, जो भी डाउट होता है टेलीग्राम पर पूछ लिया करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के सिमिलर डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको टेलीग्राम पर पूछ लो, सब लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, पक्का क्लियर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट आता आपका एनिमल टिश्यूज, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दिस इलस्ट्रेशन इज फ्रॉम क्लास 11th एक्चुअली, बट आपको मैंने बता दिया ताकि 11th भी आपकी कवर हो जाए। छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आपकी जो लंग्स हैं और जो हार्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब आपके हार्ट में ऑक्सीजन पास करवानी हो, हार्ट से ऑक्सीजन पास करवानी होती है ब्लड के थ्रू, तो वो कैसे लंग्स के साथ कोरिलेशन में काम करता है, वो सारी चीज यहाँ पे बताई हुई है। इस पूरा जो डायग्राम है उसका एक ही कंक्लूजन है, दैट इस डायग्राम में आपको देखो लंग्स दिख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको हार्ट दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, राइट। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये एक तरह के टिश्यूज से ही तो बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे लंग टिश्यूज ने एक साथ मिलके लंग्स बना दिए जो कि ऑर्गन है, बहुत सारी कार्डियक मसल ने एक साथ मिलके हार्ट बना दिया जो कि ऑर्गन है, बहुत सारे जो आपके ब्लड सेल्स है या बहुत सारे जो आपके स्मूथ मसल्स हैं उन्होंने मिलके आपकी ब्लड वेसल बना दी जो कि अब एक आर्टरी या वेन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो किससे बनी हुई है, कहीं ना कहीं टिश्यू से ही बनी हुई है। आपकी सारी बॉडी में जितना चीज आपकी वो टिश्यू से ओरिजिनेट होकर ही बनी है, फाइनली गिविंग राइज टू सम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहला टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू आपका आता है एपिथीलियल टिश्यू, एक होता है एपिथीलियम,
एक होता है एपिडर्मिस, एपिथीलियम आपको मिलेगा एनिमल्स में, एपिडर्मिस आपको मिलेगा प्लांट्स में। दोनों का ही जो काम होता है दैट इज देयर लोकेशन इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो एपिथीलियम इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, या कोई भी किसी भी टिश्यू का आउटर मोस्ट पार्ट है, और एपिडर्मिस भी एक तरह से आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट सेल्स में, ठीक है। प्लांट जो टिश्यूज है उसमें आउटर मोस्ट पार्ट होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। उसी तरह से ज्यादातर एपिथीलियम भी आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। होता क्या है, इट इज अ यूनिफॉर्म लेयर। यूनिफॉर्म लेयर का मतलब क्या है, सारे ही सेल्स एक जैसे दिखते हैं इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखते हैं इसमें। दूसरी चीज मान लीजिए एक सेल ऐसा है तो दूसरा सेल भी आपको ऐसा ही दिखेगा, इसी तरह से सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं। दूसरी चीज एपिथीलियल टिश्यू जो है दैट कैन रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब क्या है, मान लीजिए कुछ सेल्स इसके खराब हो गए, दोबारा बन जाएंगे, दोबारा रीजनरेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्स कैन रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब क्या है, कोई सेल अगर डेड हो गया या ओल्ड हो गया वो दोबारा से रीग्रो कर सकता है, दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। दोबारा से बनना इज रीजनरेशन, ओके। ये एक ऐसा टिश्यू है जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो होता है, तभी तो मैंने बोला ये आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी टिश्यू, ठीक है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो होता है। मान लीजिए आपका था कोई मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, आपका था कोई मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के ऊपर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू। मान लीजिए आपका है कोई स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के जो आउटर लेयर होगी दैट विल बी एपिथेलियल टिश्यू। मान लीजिए आपकी हार्ट की कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के जो आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट विल बी एपिथेलियल टिश्यू, समझ रहे हो। तो किसी और टिश्यू के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, आपकी एपिथीलियल टिश्यू। नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज तो हमने पढ़ी थी ऑल दी सेल्स आर यूनिफॉर्म, एक जैसे दिखेंगे सारे के सारे सेल्स। दूसरी चीज ऑल दी सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, किसी भी सेल में आपको कोई गैप नहीं दिख रहा। कॉम्पैक्टली पैक मतलब टाइटली पैक, TIGHT, वेरी टाइटली पैक्ड। सारे सेल एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से आपको दो सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिखती। जो दो सेल के बीच में स्पेस होती है उसको हम बोल देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है, इन दो सेल के बीच में आपको स्पेस दिख रही है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। जो स्पेस आपको सेल के अंदर दिखती है उस सेल को हम बोल देते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। ये पहले भी बता चुकी हूँ आपको, क्लास का एग्जाम्पल देके, क्लास के एक क्लास के अंदर जो स्पेस है दैट इज इंट्रा सेलुलर या इंट्रा क्लास स्पेस। जो कॉरिडोर, दो क्लास के बीच में जो कॉरिडोर है दैट कॉरिडोर इज इंटर क्लास स्पेस, ठीक है, या स्पेस, ओके। तो इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में, इंट्रा मतलब अपने ही सेल के अंदर, ठीक है। तो दो सेल के बीच में एपिथेलियल टिश्यू में आपको बिल्कुल भी कोई भी स्पेस नहीं दिखती, इसी वजह से देयर इज वेरी लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस एज दे आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब बहुत टाइट 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 पैक्ड होते हैं, इस वजह से कोई भी स्पेस आपको दिखता नहीं है दो सेल के बीच में, ठीक। नेक्स्ट चीज, हमेशा एवरी टाइम जहां भी प्रेजेंट होगा आपका एपिथीलियल टिश्यू की लेयर, हमेशा इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन दी अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू पे रेस्ट करने का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। मान लीजिए दिस वॉज द एपिथीलियल टिश्यू, आउटर मोस्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द आउटर मोस्ट, ठीक है। एपिथीलियल टिश्यू के नीचे कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई था मसल, सॉरी कोई ना कोई था यहाँ पे, मान लो आपका था बोन, बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। या मान लो कोई ना कोई था कार्टिलेज, कार्टिलेज इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होगा उसके नीचे आपका कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू जरूर आएगा, जरूर जरूर आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है, बहुत इजी है इसको समझना। ये मान लीजिए ये आपके एपिथेलियल टिश्यू की लेयर थी, हैविंग सेल्स वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, और बीच में एक स्पेस थी उसको हम पढ़ेंगे अभी। उसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट था, कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू, मान लीजिए बोन, ठीक है। उस बोन के नीचे आपके क्या प्रेजेंट था, कोई ना कोई और टिश्यू जैसे मसल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होती है आउटर टू इनर साइड, एपिथेलियल टिश्यू,
एक स्पेस विच इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. वाई बेसमेंट? बिकॉज एपिथीलियम के बेस पे प्रेजेंट है और एक मेम्ब्रेन है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो एपिथीलियल टिश्यू के नीचे आपका क्या मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन, उसके नीचे आपको मिलेगा कोई ना कोई मस्कुलर टिश्यू जैसे कोई भी मसल, जैसे स्केलेटल मसल. ठीक है, तो ये पूरी सीक्वेंस होती है. वही चीज आपको यहाँ बताई गई है. फ्रॉम मूविंग फ्रॉम आउट टू इन साइड वी हैव एपिथीलियल टिश्यू की लेयर, देन वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर, देन वी हैव सम कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, आइदर बोन, कार्टिलेज, ब्लड, कुछ भी, वो हमको मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो एपिथीलियल टिश्यू के कैरेक्टर में आपको पढ़नी है कि इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन दी बॉडी. प्लाज्मी है वो, तो मान लीजिए जैसे स्टमक. क्या बोला मैंने अभी आपको कि किसी भी चीज की आउटर मोस्ट लेयर विल बी एपिथीलियम. ठीक है, उसके नीचे होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, उसके नीचे होगी कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर. मान लीजिए कोई है एडियोल एरियोलर या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फैट की लेयर होती है बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास, तो दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर. और सबसे नीचे आता आपका फिर मसल, स्मूथ मसल जिससे ये ऑर्गन बना हुआ है, राइट. तो हर ऑर्गन को, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को कवर किया हुआ है किसने? एपिथीलियल टिश्यूज ने. इस जितना टॉपिक होगा आज एपिथीलियल टिश्यू का, उसका क्विज होगा कल. ठीक है, तो ध्यान से इसको रिवाइज कर लेना आफ्टर द क्लास. दूसरी चीज, इट फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ऑब्वियसली अब जैसे मान लीजिए ये स्टमक है आपका, स्टमक के जस्ट साइड में इस तरह से लिवर प्रेजेंट होती है, राइट. अभी अगर ये एपिथीलियल टिश्यू इस लिवर और स्टमक को अलग से कवर ना करता तो क्या डिफरेंस रह जाता? मतलब कुछ बाउंड्री ही नहीं है किसी दो ऑर्गन्स के बीच, बस ऐसे पड़े हुए हैं सारे ऑर्गन्स. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऐसा तो नहीं हो सकता ना. हर एक ऑर्गन को हमको पैक करना पड़ेगा, एक बाउंड्री देनी पड़ेगी उनको अलग से. वो पैकिंग और वो बाउंड्रिंग आपको कौन देता है? एपिथीलियल टिश्यू. तो इट फॉर्म्स द बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. सेकंड, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? पहली बात तो स्किन, स्किन पे प्रेजेंट होगा. दूसरी चीज, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, उस पर प्रेजेंट होगा. उसी तरह से लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट, वहां पे प्रेजेंट होगा. सब पढ़ेंगे आप आगे डिटेल में. किडनीज पे प्रेजेंट होगा आउटर. ठीक है, नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, उनमें प्रेजेंट होगा, उनकी लेयर बनाएगा. तो ये तो मतलब आप ये समझ लीजिए आपकी बॉडी में जितना ऑर्गन है उन सब ऑर्गन की आउटर लेयर इज एपिथीलियम. एपिथीलियम के नीचे क्या मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन. एपिथीलियम, एपिथीलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे कोई भी मसल, और फिर आता आपका कोई ना कोई ऑर्गन. इस तरह से पूरा स्ट्रेटिफिकेशन होता है. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की अब जरूरत क्या था? एपिथीलियम के बाद डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं रखा हमने? बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों रखा? उसका भी एक रीजन था, बहुत बढ़िया रीजन था. रीजन क्या था कि बिकॉज देखो अब आप जो एपिथीलियम है वो तो हाईली कॉम्पैक्ट हो गया. ठीक है, तो इतना कॉम्पैक्ट एपिथीलियम को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन सप्लाई करवा रहा है आपका? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन. द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल विच अलाउज इजी एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, ताकि एपिथीलियम को भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके. ठीक है, इस वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है. ओके, तो दिस वॉज अबाउट योर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथीलियम. फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार. एनिमल टिश्यू जो होता है आपकी बॉडी में, जितना भी ऑर्गन है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ टिश्यू, आइदर लंग, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, हर कोई चीज आपका टिश्यू से ही बना है. ठीक है, दूसरी चीज, पहला टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़ा एपिथीलियल टिश्यू, जिसमें द सेल्स वर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट हैविंग एनी इंटरसेलुलर स्पेस. द लेयर ऑफ एपिथीलियम हैड अ बेसमेंट लेयर नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. बिलो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर वॉज प्रेजेंट, एंड बिलो दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर सम मसल वॉज प्रेजेंट. ठीक है, दिस वॉज द स्ट्रेटिफिकेशन फ्रॉम आउट टू इनर साइड. दूसरी चीज, द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड, एंड प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द आउटर मोस्ट कवरिंग टू एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, प्लस इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन टू ऑर्गन्स, ताकि दो ऑर्गन्स एक दूसरे से अलग अलग हो सके. ठीक है,
जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन वॉज फॉर द इजी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट हो सके, इस वजह से हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाया था, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके एग्जाम्पल पढ़े। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ा हमने, डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर के बाद हमने पढ़ा कि प्लांट्स के पास ब्लड वेसल तो होती नहीं, तो उनके पास क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम। देन वी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, उससे पहले हमने पढ़ा द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू क्या था, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, दे आर नोन एज टिश्यू। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, दैट टिश्यूज इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट, प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं दे आर डिफरेंट, एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी रिक्वायरमेंट। प्लांट्स में मैक्सिमम सेल आर डेड, एनिमल में मैक्सिमम सेल आर लिविंग। प्लांट्स में मोर एनर्जी, सॉरी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। प्लांट्स जो है वो एक से दूसरी जगह मूवमेंट शो नहीं करते, एनिमल्स एक से दूसरी जगह मूवमेंट शो करते हैं, उस हिसाब से उनके टिश्यूज भी अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा दैट द कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर, हमारे पास है प्लांट टिश्यूज, हमारे पास है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में दो टाइप पढ़ा हमने, हमेशा डिवाइड करने वाले, डिविजन रोक देने वाले, या कभी ना डिवाइड करने वाले आगे, हमेशा डिवाइड करने वाले मेरिस्टमेटिक, जैसे प्लांट्स में होता है टिप्स पे जो प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये तीन मेरिस्टम हमने पढ़े जो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। परमानेंट में क्या आएगा, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जैसे पैरेन्काइमा, जैसे कॉलेनकाइमा, जैसे स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम में हमने पढ़ा दैट इट इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। देन वी स्टडीड एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा अपने पास चार तरह का है, एपिथेलियल जो हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे, फिर नर्वस, फिर मस्कुलर, फिर कनेक्टिव। कनेक्टिव में हमने पढ़ा कि भाई बहुत ज्यादा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अपने पास, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, उसमें सब कुछ पढ़ लोगे आप, एरियोलर, एडिपोज, बोन, कार्टिलेज सब पढ़ लोगे। देन वी स्टडीड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर कभी कभी, या एपिथेलियल सेल्स के ऊपर कभी कभी आपको इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती है, जिसको हम सीलिया बोल देते हैं, या कभी कभी फ्लैजिला दिख जाता है, माइक्रोविलाय दिख जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे दिखता है और माइक्रोविलाय और सीलिया में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो कोई डाउट है अभी तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डाउट ले लेंगे आपके। बेटा टिश्यू जो है अलग अलग डिस्कवरीज होती है, देखो जो बायचैट था उन्होंने तो इसकी टर्म दी थी, किनका डाउट है ये, पीयूष, पीयूष बायचैट ने तो उनकी BICHAT, इनकी बायचैट ने इनकी टर्म दी थी टिश्यूज की। और जो हिस्टोलॉजी है वो बताया था मायर ने, अर्नस्ट मायर ने, उन्होंने बताया हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है। बाकी जो इसका और बहुत सारी डिस्कवरीज है, जैसे ग्रू आए थे बीच में, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, वो बीच बीच में देते रहते हैं, ठीक है। जैसे एपिथेलियम का भी अलग साइंटिस्ट है, प्रयाश है एपिथेलियम का साइंटिस्ट, तो हर किसी का अलग अलग साइंटिस्ट है। टर्म टिश्यू बायचैट ने दी थी, ठीक है, और ग्रू साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताया था, स्पेशली प्लांट टिश्यूज के बारे में, और हिस्टोलॉजी के बारे में मायर ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सारा, ओके। चलिए अगर किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे डाउट डाल दिया करो, वो बता देंगे आपको।